नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के जोधपुर स्थित आवास पर छापेमारी के लिए सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। बता दें कि इससे पूर्व अग्रसेन गहलोत के घर पर ईडी का छापा भी पड़ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई की इस छापेमारी की कार्रवाई को राहुल गांधी के लिए अशोक गहलोत द्वारा दिल्ली में किए जा रहे प्रदर्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। शुक्रवार की सुबह अग्रसेन गहलोत के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची। इस टीम में 5 अधिकारी दिल्ली से और 5 अधिकारी जोधपुर से हैं। सीबीआई की एक टीम उनके पावटा स्थित दुकान पर भी पहुंची है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि सीबीआई की ये रेड उर्वरक घोटाला मामले में की जा रही है या फिर किसी अन्य मामले से संबंधित छापेमारी की जा रही है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत पर कांग्रेस सरकार के दौरान 2007 से 2009 के बीच सब्सिडी वाले उर्वरक को निर्यात करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि ईडी के बाद अब इसी मामले में सीबीआई ने फार्म हाउस, बंगले और अन्य जगहों पर रेड की है। खाद वितरण से संबंधित दस्तावेज कब्जे में लिए हैं, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। सर, जिस तरह से सीबीआई ने रेड मारी है, क्या कहेंगे? भाई, मैंने तो टाइम मांगा था उल्टा सीबीआई डायरेक्टर साहब से, ईडी डायरेक्टर साहब से और इनकम टैक्स के चेयरमैन साहब से। 13 को टाइम मांगा, 15 को मुकदमा दर्ज हो गया और 17 को रेड हो गई। तो मेरे को तो पता नहीं ये क्या अप्रोच है, ये समझ के परे देखो। और इस प्रकार के जो पहले क्राइसिस आया था हमारे ऊपर पॉलिटिकल, तब भी उनके यहाँ पर ईडी की रेड हुई थी जोधपुर के अंदर। 40-45 साल से ब्रदर अपने काम करते हैं और मैं अपना काम करता हूँ। हमारे परिवार में कभी सिस्टम कभी रहा ही नहीं, और मैं इतना अपने आप को इन्वॉल्व रखा राजनीति के अंदर कि घर में भी शादी ब्याह होते तो मैं वर्कर की तरह जाता हूँ। अब मैं अगर दिल्ली में एक्टिव हूँ या मैं राहुल गांधी जी के इस मोमेंट में मैंने भाग लिया, तो उसका बदला भाई से क्यों लिया जाता है? क्राइसिस सरकार पे आया था यहाँ पर जयपुर में, तब ईडी की रेड वहाँ हो गई, जबकि उनको कोई संबंध ही नहीं राजनीति से। उनके परिवार में कोई भी परिवार के सदस्य राजनीति में है ही नहीं। और समझ के परे है कि इस प्रकार के आप पहले छापे डाल दिया आपने ईडी के, अब पहुंच गई सीबीआई, ये समझ के परे हैं। इसको मैं समझता हूँ आम जनता भी इसको लाइक नहीं करती। धीरे धीरे नुकसान बीजेपी को ही है, इस सरकार को ही है। ये जितने ज़्यादा तंग करेंगे लोगों को पूरे मुल्क के अंदर, उतना ज़्यादा ही बैकलैश इनके लिए होगा, मेरा मानना है। नरेंद्र मोदी जी के भाई को कोई नहीं जानता दुनिया के देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भाई को जानता नहीं था, उसी प्रकार के मेरे भाई को नहीं जानता था। अब तमाम मीडिया चला रहा है, सीबीआई के छापा पड़ गया, उनके यहाँ चला छापा पड़ गया, तो ये परिवार के जो सदस्य हैं उनका क्या कसूर है? कहा राजनीति में कोई भाग ले रहा है कोई व्यक्ति, उनके परिवार वाले पे अटैक हो और वो सरकार द्वारा, मैं समझता हूँ उचित नहीं कहा जा सकता। इससे कोई हम घबराने वाले नहीं है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।